السلام عليكم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آج عيد الأضحى ہے وعید جو قربانی کی عید کہلاتی ہے. تمام مسلمان دنیا میں اسے بڑے شوق سے منا رہے ہیں آج, اور وقت کے فرق کے ساتھ بعض جگہ کل بھی منائیں گے. اس قربانی کی یاد کو تازہ رکھنے کے لیے یا اس واقعے کو یاد کو تازہ رکھنے کے لیے جو 4000 سال پہلے سے بھی زائد عرصے 4000 سال سے بھی زائد عرصہ پہلے ہوا تھا, مسلمان ابتدائی اسلام سے اس قربانی کی عید کو مناتے چلے آ رہے ہیں, اور اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود ایک مومن کے دل میں اس قربانی کی اہمیت اور اس کی یاد میں کوئی کمی واقعہ نہیں ہوئی نہ ہوتی ہے. ہاں, ایسے بے شک بے شمار لوگ ہوں گے جو صرف ایک خوشی کی تقریب کے طور پر اس عید کو یاد رکھتے ہیں, اس کا انتظار کرتے ہیں اور اسے مناتے ہیں, جو صرف دکھاوے اور خوشی کے اظہار کے لیے قربانیاں بھی کرتے ہیں جانوروں کی. لیکن ایک مومن ایک قربانی کو یاد رکھتا ہے, اس قربانی کی اہمیت کو یاد رکھتا ہے, اور اس قربانی کی روح کو یاد رکھتا ہے, اور اس طرح یاد رکھتا ہے جس طرح یاد رکھنا چاہیے اور اس کا حق ہے. ایک مومن کے دل کو یہ قربانی کا واقعہ, جس کا اظہار باپ بیٹے نے ہزاروں سال پہلے کیا تھا, جذباتی کر دیتا ہے. عموماً انسان اپنی تکلیفیں یا غم, اس غم یا تکلیف سے نکلنے کے بعد کچھ عرصے بعد بھول جاتا ہے, یاد نہیں رہتا کہ کس غم اور تکلیف سے میں گزرا تھا, پھر دنیا میں مصروف ہو جاتا ہے. لیکن اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں محفوظ کر کے قربانی کا ایک معیار ہمیشہ کے لیے قائم فرما دیا, اور پھر ایک مومن کو
इस मयार को हमेशा सामने रखने की हदायत फरमा कर, एक मोमिन के लिए, एक मुसलमान के लिए इसकी याद ता क़यामत कायम कर दिए। क्या आला मयार है कि आज भी जब हम इस वाक़े को सुनते हैं, इस पर गौर करते हैं, तो दिल जज्बात से भर जाता है। ये कोई मामूली बात नहीं कि एक शख्स को बुढ़ापे में औलादता होती है और इसकी उम्र में उम्र भी उस वक्त 90 साल की हो जाती है या उसके करीब, तो उसे अल्लाह ताला की तरफ से ख्वाब में हुक्म होता है कि अपने लड़के को ज़िबा कर दो, और इस हुक्म पर उसके ज़ाहरी मानी लेते हुए वो अपने अकलौते बेटे को ज़िबा करने के लिए तैयार हो जाता है। बस अल्लाह ताला की रज़ा और हुक्म के आगे सर तस्लीम खम करना या खम करने का ये क्या ही आला मयार है, क्या ही आला मुकाम है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का, कि उस लड़के को लिटा कर फिर छुरी फेरने को तैयार हो गए इस हुक्म को सुन के, और फिर बाप ही इस कुर्बानी के लिए तैयार नहीं हुआ कि उसका एक रूहानी मुकाम था बाप का, वो अल्लाह ताला के कुर्ब के आला मुकाम पर पहुंचा हुआ था, बल्कि उस बेटे ने भी बच्चा होने के बावजूद इस बात को तस्लीम कर लिया कि ठीक है, अगर अल्लाह ताला का हुक्म है मैं ज़िबा किया जाऊँ तो मैं हाज़िर हूँ। इस बच्चे के जवाब को भी अल्लाह ताला ने कुरान करीम में महफूज कर लिया, और इस बच्चे का ये जवाब कि या आबते फल मातो उमरो सतजेदुनी इंशाअल्लाह मिनस्साबिरीन, या आबते फल मातो उमरो, ऐ मेरे बाप जो कुछ खुदा कहता है वही कर, सतजेदुनी इंशाअल्लाह मिनस्साबिरीन, तू इंशाअल्लाह ताला मुझे अपने ईमान पर कायम रहने वाला और सब्र करने वाला देखेगा। कुर्बानी देने वालों और खुशी से कुर्बानी देने वालों और अल्लाह ताला पर कामिल ईमान लाने वालों के लिए ये जवाब भी एक मिसाल बन गया, और नौजवानों को भी बता गया कि ये होने चाहिए खुदा ताला पर कामिल ईमान रखने वालों और कुर्बानी के लिए तैयार रहने वालों के जवाब और मयार। बस अगर हम गौर करें तो कौन है जो इस जवाब से मुतासर न हो। बूढ़ों के लिए कुर्बानी देने की मिसाल कायम की 90 साल बूढ़े ने, बच्चों और नौजवानों के लिए मिसाल कायम की एक बच्चे ने। बस यकीनन जब हम ये वाक़यात सुनते हैं और पढ़ते हैं तो हम सब जज्बात से लबरेज़ हो जाते हैं। अक्सर की आँखें आंसू से भर जाती हैं, मगर हमारे लिए सिर्फ इतना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि हमें इसके साथ अपने इस अहद के हर कुर्बानी के लिए तैयार रहूँगा उसका भी जायज़ा लेने की ज़रूरत है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का अपने बेटे की कुर्बानी के लिए अल्लाह ताला के हुक्म पर तैयार हो जाना इस लिहाज से और भी ज़्यादा अहमियत रखता है, बल्कि सिर्फ तैयार हो जाना नहीं बल्कि अमलन उसे लिटाकर
उसकी गर्दन पर छुरी रख देना, कि जब हम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नरम तबीयत को देखते हैं, उनका दिल दुश्मनों के लिए भी नरमी से भरा हुआ था, बर्दाश्त नहीं था कि दुश्मन को भी तकलीफ़ हो, और इस नरम दिली का ऐसा मायार था कि जिसे अल्लाह ताला ने भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ख़ास सिफत करार देकर कुरान करीम में महफूज कर लिया, और हज़रत इब्राहीम के बारे में फरमाया कि वह हलीमन और अवाहन था, बहुत नरम दिल था, दिल रहम से भरा हुआ था। और जब ये हालत थी तो क्या उनके दिल में बेटे के लिए दर्द पैदा ना हुआ होगा? यकीनन पैदा हुआ होगा, लेकिन उस वक्त अपने इस ज़ाती दर्द और मोहब्बत को एक तरफ रखकर उन्होंने सिर्फ अल्लाह ताला की रज़ा और मोहब्बत को हर चीज़ पर मुकदम कर लिया, और इस चीज़ ने उन्हें दूसरों से फिर मुमताज़ भी कर दिया। और यही इम्तियाज़ है, और अल्लाह ताला से वफ़ा और मोहब्बत और कुर्बानी देने का ये मायार है, जिसकी वजह से ता क़यामत जब मुसलमान आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजेंगे तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का भी जिक्र ज़रूर होगा। और सिर्फ ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी नहीं, बल्कि जैसा कि कुरान करीम हमें बताता है, दिली खुशी के साथ हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम भी कुर्बानी के लिए तैयार हुए, और जिसका जिक्र हो चुका है अभी, और उनको भी दूसरों से उनकी ये कुर्बानी का मयार मुमताज़ कर गया। क्यों वो इसलिए तैयार हुए? इसलिए वो क्यों इस कुर्बानी के लिए तैयार हुए? इसलिए कि उन्हें खुदा ताला से मोहब्बत का ख़ास इदराक हासिल हुआ था, उनके अंदर इस इदराक की वजह से ये जज्बा पैदा हुआ कि ये कुर्बानी हमारी तरक्की का मूजिब है, बाप में भी और बेटे में भी। बस हम जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के वाक़यात सुनकर जज्बाती होते हैं और हमारी आँखों में नमी आती है, तो इसलिए कि हमारे ज़हन में उस वाक़ये का तसव्वुर एक जज्बाती कैफियत पैदा कर देता है। लेकिन शायद हम में से अक्सरियत के दिल उस कैफियत और उस मयार उस कैफियत को ना पा सकें जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दिल में उस वक्त था। उस वक्त उनको ख़्याल था तो सिर्फ ये कि अल्लाह ताला ने मुझे अपने लिए चुनकर मुझसे कुर्बानी मांगी है, और इसके अवज़ मुझे क्या मिल रहा है? मुझे मेरे खुदा का, मेरे महबूब का क़ुर्ब अता हो रहा है। ये सोच थी कि खुदा ताला मेरे करीब हो रहा है, और फिर ये सिर्फ सोच ही नहीं थी, बल्कि हर मुसलमान जानता है, हर कुरान पढ़ने वाला जानता है, हर दरूद पढ़ने वाला जानता है कि खुदा ताला ने इस कुर्बानी को याद रखा और क़यामत तक के लिए अमर कर दिया। आप अलैहिस्सलाम की कुर्बानी को अल्लाह ताला ने एक इम्तियाजी निशान बना दिया, इसलिए कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने दर्द और गम के जज्बात पर अल्लाह ताला के उस एहसान को गालिब कर लिया कि खुदा ताला ने इस कुर्बानी के लिए मुझे चुना है। मेरा एहसान नहीं,
कि मैं कुर्बानी दे रहा हूँ या मेरे अपने बेटे की या मेरे बेटे का कोई एहसान नहीं कि वो अल्लाह ताला की खातिर कुर्बानी के लिए तैयार है, बल्कि ये कि मुझे और मेरे बेटे को इस कुर्बानी के लिए चुना, ये है अल्लाह ताला का एहसान। कुर्बानी करके इस सोच को दिलो दिमाग पर हावी किया कि मेरी कुर्बानी की कोई हकीकत नहीं, बल्कि खुदा ताला का एहसान है कि उन्हें उसने मुझे इस कुर्बानी देने के काबिल समझा। बस हम जब हर कुर्बानी के लिए तैयार रहने का अहद करते हैं तो हमें भी इस सोच को अपने दिलो दिमाग पर हावी करने की कोशिश करनी चाहिए कि हमारी कुर्बानी की कोई हैसियत नहीं है, ये अल्लाह ताला का एहसान है कि वो अगर हमसे कोई कुर्बानी ले और उसके नतीजे में खुदा ताला का कुर्बता। और हकीकत भी यही है कि हमारी कुर्बानियों की उस कुर्बानी के मुकाबले पर कुछ भी हैसियत नहीं जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने दी या जिसके लिए वो तैयार हुए। हम तो अगर दीन को दुनिया पर मुकदम करने के अहद पर ज़रा सा भी अमल करते हैं तो अल्लाह ताला इस तरह नवाजता है कि जिसकी इंतहा नहीं। बेशुमार अहमदी इसका तजर्बा रखते हैं, बेशुमार खतूत मुझे इस बारे में आते हैं कि किस तरह अल्लाह ताला ने उनकी मामूली कुर्बानी को भी नवाजा। माली कुर्बानी करते हैं तो चंद घंटों में उसका अजर मिल जाता है, या और भी इस तरह की बहुत सारी मिसालें हैं। बस ये जज्बा आर्जी नहीं होना चाहिए बल्कि मुस्तकिल होना चाहिए। सिर्फ एक दफ़ा ही अल्लाह ताला के फ़ज़लों और एहसानों से फैज़याब ना हों बल्कि अल्लाह ताला के कुर्ब के हुसूल की ख्वाहिश और उसके लिए कोशिश ज़िंदगी का मुस्तकिल हिस्सा बन जाए, तब हम कह सकते हैं कि हम अपने अहद को पूरा करने की कोशिश करने वाले हैं। और ये कोशिश है जो फिर आगे जाग लगाती चली जाती है, नेकियों के असर आगे अगली नस्लों पर नज़र आते चले जाते हैं। इल्ला माशाल्लाह अल्लाह ताला का कुर्ब पाने की सोच फिर हमेशा कायम रहती है। बीवी बच्चों को भी यही इदराक होता है कि खुदा ताला की रज़ा का हसूल और उसका कुर्ब पाना हमारी ज़िंदगी का मकसद है। बस ये माहौल घरों में पैदा करने के लिए दुआओं और अमल की ज़रूरत है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बेटे की गर्दन पर छुरी फेरने के लिए तैयार होना और बेटे का अपनी गर्दन पर छुरी फिरवाने के लिए तैयार हो जाना यकीनन एक बहुत अजीम जज्बा है, और अल्लाह ताला ने इस जज्बे की कदर भी की और इस जज्बे को कबूल फरमाते हुए अमलन बेटे की गर्दन पर छुरी फेरने से रोकते हुए फरमाया कि कद सद्दक्तर रोया इन्ना कज़ाले का नज़िल मोसिनी, तू अपनी रोया पूरी कर चुका, छुरी फेरने की ज़रूरत नहीं। अब हम इसी तरह मौसनों को बदला दिया करते हैं। मौसनों का बदला क्या है? मौसनों का बदला ये है कि तुझे और तेरे बेटे को इंतहाई कुर्ब का मुकाम बख्शे। उस कुर्ब का मुकाम बख्शने के बाद फिर कुर्बानियों का दौर ख़त्म नहीं हुआ। ये कुर्बानी कर दी, मुकाम बख्श दिया, अब दौर ख़त्म हो गया कुर्बानियों का, बल्कि मज़ीद नई कुर्बानियों का दौर शुरू होता है फिर इसके बाद, ताकि उस कुर्बानी के नतीजे में अल्लाह ताला के कुर्ब के मज़ीद नज़ारे ये दोनों देखें। बल्कि सिर्फ ये दोनों नहीं
بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کو بھی اس میں شامل کرنا ہے, وہ بھی نظارہ دیکھیں, تاکہ مردوں کے لیے یہ مسائل قائم ہو جائے کہ تمہاری نیکیوں اور خدا تعالیٰ سے تعلق کا اثر تمہاری بیویوں پر بھی ظاہر ہو. اگر حقیقی نیک ہو تو صرف اپنے تک محدود نہ ہو بلکہ بیویوں پر بھی ظاہر ہونا چاہیے اثر. عورت کو اس قربانی میں شامل کر کے عورتوں کے لیے بھی مثال قائم کر دی کہ نیک عورت اللہ تعالیٰ پر توکل کرتی ہے, اس کے آگے جھکتی ہے, اس کا قرب حاصل کرتی ہے, تو اسے بھی خدا تعالیٰ نہیں چھوڑتا. چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ چھری پھیرنے سے بھی بڑی قربانی پیش کرنے کے لیے پورے خاندان, میاں بیوی اور بیٹے کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ چھری پھیرنا تو ایک وقتی قربانی تھی, ایک وقت میں ہی جذبات کی قربانی تھی, لیکن ان تینوں سے جس کا مطالبہ کیا گیا قربانی کا, وہ تھی تنہائی کی, جدائی کی اور خوف کی حالت کی مستقل قربانی. بس اس ان تین قربانیوں کا مطالبہ کیا گیا تو ان تینوں نے اسے بھی قبول کر لیا. اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت ہاجرہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لے کر ایسی جگہ پہنچے جہاں میل ہا میل تک کوئی آبادی نہیں تھی بلکہ بے آب و گیا جگہ تھی, نہ پانی تھا نہ کسی خوراک کا انتظام تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیوی اور بیٹے کو صرف ایک مشکیزہ پانی اور کھجوروں کی ایک تھیلی کے ساتھ اس جگہ چھوڑ دیا. انہیں پتہ تھا, حضرت ابراہیم علیہ السلام کو, کہ یہ مشکیزہ جو ختم ہو جائے گا اور یہ کھجوروں کی تھیلی جو ختم ہو جائے گی تو نہ پانی میسر ہوگا نہ کھانے کو کچھ میسر ہوگا. پھر پتہ نہیں کس طرح گزارا ہو میرے بیٹے اور میری بیوی کا, لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم تھا اس قربانی کا, اس لیے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے یہ قربانی کر رہے تھے. بہرحال جب بیوی بیٹے کو اس تھوڑی سی مقدار میں پانی اور خوراک کے ساتھ اس جگہ چھوڑ کر جب واپس لوٹنے لگے اور بیوی کو نہ بتایا کہ اب تم نے یہاں اکیلے ہی رہنا ہے, تو ہاجرہ نے محسوس کر لیا کہ یہ جدائی عارضی نہیں لگتی بلکہ یہ تو مستقل جدائی لگتی ہے. مستقل لگتا ہے, ہمیں یہاں رہنا پڑے گا. حضرت ابراہیم کے پیچھے جا کر پوچھا کہ ہمیں چھوڑ کے کہاں جا رہے ہیں. حضرت مسلم ماؤد نے بڑے بڑے خوبصورت انداز میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس حالت کا نقشہ کھینچا ہے. فرماتے ہیں کہ اس وقت اس جذبہ طبی کے جو ان کے قلب میں تھا, یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل پہ تھا جذبہ, اور اواہن منیب ہونے کی وجہ سے ان پر رقت طاری ہو گئی اور وہ جواب نہ دے سکے. حضرت ہاجرہ نے پھر پوچھا کہ ہمیں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں. جب حضرت ہاجرہ کی کئی مرتبہ پوچھنے پر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی جذباتی کیفیت کی وجہ سے جواب نہ دے سکے, اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسی نرم طبیعت کے مالک کے لیے یہ ممکن بھی کس طرح ہو سکتا تھا, ان کو بظاہر نظر آ رہا تھا کہ اس بیابان جگہ میں پتہ نہیں ان کی کیا حالت ہوگی بعد میں. بس ایک طرف بشری تقاضا بیٹے اور بیوی سے محبت کا, اور پھر فطرتاً انتہائی نرم طبیعت انہیں روک رہی تھی کہ اگر جواب دیا تو کہیں جذبات کا دھارا بہہ نہ جائے, اور حضرت ہاجرہ مزید پریشان ہوں, اور دوسری طرف یہ سوچ بھی تھی کہ اس قربانی کے معیار میں اگر جذبات کا دھارا بہہ گیا تو اس قربانی کے معیار میں کمی نہ آ جائے گی جو خدا تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے وہ اور ان کی بیوی اور بیٹا دینے جا رہے ہیں.
और जिसके नतीजे में खुदा ताला का कुर्ब मिलना है, वो खामोश रहे। और जब आखिर हज़रत आजरा ने ये कहा कि क्या खुदा ने आपको ऐसा करने का कहा है, तो फिर भी जज्बात से मकलूब होकर सिर्फ अपना हाथ आसमान की ओर उठा दिया, मुंह से कुछ ना बोले, कोई जवाब नहीं दिया। जब हज़रत हाजरा ने ये इशारा देखा तो फिर कामिल तवक्कुल से कहा कि अगर ये बात है तो फिर खुदा ताला हमें ज़ाया नहीं करेगा, जहाँ जाना है आप जाएं। अब बज़ाहिर देखा जाए तो इस बात को तस्लीम करना नामुमकिन है कि इस आबो गया वादी में पानी का मुश्किल ख़त्म होने के बाद पानी मिल सके, या खजूरों की थैली ख़त्म होने के बाद खजूर मिल सके, या कोई भी खुराक मिल सके। ये नामुमकिन था कि वीरान जगह में उनकी तकलीफ़ दूर करने या कम अज़ कम हमदर्दी करने के लिए ही कोई हमदर्दी करने वाला मिल जाए, किसी इंसान की शक्ल नज़र आ जाए। वहाँ इस वीरान सहराई जगह में किसी ने कहाँ से आना था। लेकिन हज़रत हाजरा में भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सोबत ने ये इनकलाब पैदा कर दिया था कि तवक्कुल इल्लाह और अल्लाह ताला का कुर्ब पाने की ख्वाहिश का मयार इंतहा को पहुंचा हुआ था उनका भी। उन्होंने बेखौफ होकर कह दिया कि अगर खुदा का हुक्म है तो फिर मुझे कोई परवाह नहीं। यकीनन जब हज़रत हाजरा के ये अल्फाज अर्श के खुदा ने सुने होंगे कि अगर खुदा का हुक्म है तो फिर वो हमें कभी ज़ाया नहीं करेगा, तो खुदा ताला ने भी कहा होगा कि बेशक मैं तुझे और तेरे बेटे को कभी ज़ाया नहीं करूँगा। और बाद के हालात बताते हैं कि अल्लाह ताला ने वैसा ही किया जैसा उससे उम्मीद रखी गई थी, बल्कि ना सिर्फ ये कि उन्हें ज़ाया होने से बचाया बल्कि उनके ज़रिए से एक ऐसी ज़बरदस्त कौम बनाई जिसमें हज़रत ख़ातमुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा अज़ीमुल मर्तबत नबी मबूस फरमाया, जो तमाम दुनिया के लिए मबूस हुआ। आप ही तमाम दुनिया के रूहानी बादशाह हैं। खुदा ताला भी तक पहुँचना भी आपके वसीले से यह मुमकिन है। हज़रत हाजरा और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने खुदा ताला की खातिर दुनिया को छोड़ा था। अल्लाह ताला ने तमाम दुनिया हज़रत इस्माईल की नस्ल के कदमों में ला के डाल दी आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से। आज लाखों करोड़ों लोग हज और उम्रा करते हैं तो हज़रत हाजरा की इस कुर्बानी की याद भी ताज़ा करते हैं। बस हज़रत हाजरा की इस कुर्बानी को क़यामत तक के लिए एक मुकाम दे दिया, एक एजाज़ बख्श दिया। उन्होंने खुदा ताला पर तवक्कुल करते हुए उसकी रज़ा हासिल करने के लिए दुनिया से ताल्लुक़ तोड़ा था, और आज दुनिया मजबूर है कि खुदा ताला को हासिल करने के लिए ही उनसे ताल्लुक़ जोड़े। बस उनकी ये कुर्बानी कोई मामूली कुर्बानी नहीं थी। उनका अल्लाह ताला पर ये मान कि जो काम खुदा ताला के लिए किया जाए खुदा ताला उसे ज़ाया नहीं करता, कोई मामूली मान नहीं था। और फिर जैसा कि मैंने बताया कि खुदा ताला ने क़यामत तक उस मान को पूरा करने और नवाजने के समान कर दिए। बस आज का दिन हमें उस ख़ानदान के अल्लाह ताला पर तवक्कुल और उस पर कुर्बानी करने के मयार की
याद दिलाने के लिए। लेकिन इसके साथ ही हमने ये भी देखना है कि क्या सिर्फ इस कुर्बानी के वाकया को और इस ख़ानदान के तवक्कुल को और इस कुर्बानी को याद कर लेना और ज़िक्र कर लेना ही काफ़ी है। नहीं, बल्कि इस याद का ज़िक्र ताज़ा करते हुए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वफ़ा और कुर्बानी को हमें उस्वा बनाना होगा, हज़रत हाजरा की कुर्बानी को हमें मयार बनाना होगा। हर औरत देखे कि हमने इस मयार को हासिल करने के लिए क्या करना है। लजना जब ऐद दोहराती है कि हम औलाद को कुर्बान करने लिए तैयार हैं, तो मेरे इल्म में ये भी आया है कि बाज़ औरतें कहती हैं हम उस वक्त खामोश हो जाती हैं क्योंकि हम तैयार नहीं। अगर अल्लाह ताला पर तवक्कुल हो, उसकी रज़ा का हसूल मकसद हो, उसके कुर्ब को हासिल करने की ख्वाहिश हर ख्वाहिश से बाला हो, तो ये सोच आ ही नहीं सकती। दीन को दुनिया पर मुकदम करने का अहद क्या है? ये कैसा अहद है जो खालिसतन अल्लाह ताला पर तवक्कुल करने की तरफ तवज्जो दिलाता है? अगर ये अहद किया है तो उसे हर अहमदी मर्द, अहमदी औरत, अहमदी जवान और अहमदी बच्चे को निभाना होगा। जब इंसान अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करने की कोशिश करता है, फिर अल्लाह ताला ज़ाया नहीं करता बल्कि नवाजता है। हमारे मर्द जब अपने नमूने इब्राहिमी मायार पर लाएंगे, तो वो रूहानी मायार औरतों और बच्चों में भी सरायत कर जाएंगे। बस सबसे पहले मर्दों को अपनी सोचों और अपनी कुर्बानी के मायारों को बुलंद करने की ज़रूरत है। अगर औरतों और बच्चों के मायार तवक्कुल अल्लाह और कुर्बानी के बढ़ाने हैं, तो फिर मर्दों को बहरहाल अपने नमूने दिखाने होंगे। यह नहीं समझना चाहिए कि सिर्फ अपने अंदर मामूली तब्दीलियाँ पैदा करने के लिए ये नमूने हैं और इनकी मिसाल सिर्फ किस्से के तौर पर अल्लाह ताला ने महफूज रखी है। नहीं, बल्कि ये नमूने हमारे लिए उस्वा हैं। जब हर मर्द इब्राहिमी नमूने पर चलने की कोशिश करेगा और उस पर चलते हुए वफा के मयार को ऊंचा करने की कोशिश करेगा, जब हर औरत हज़रत हाजरा के नमूने को अपनाने के लिए तैयार होगी और हर नौजवान हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के नमूने अपनाने के लिए तैयार होगा, तो फिर अल्लाह ताला के फ़ज़लों की बारिश भी होगी। फिर हकीकी कुर्बानी और उसके नतीजे में अल्लाह ताला का कुर्ब, अल्लाह ताला के कुर्ब का इदराक और तजर्बा भी होगा। इस ज़माने में आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस ग़ुलाम सादिक को हमने माना है ताकि इस्लाम की नशत सानिया में हिस्सेदार बन सकें, उसे भी अल्लाह ताला ने इब्राहिम कहा है। चुनांचे कई मौके पर आप को अल्लाह ताला ने इल्हामन इब्राहिम कहकर मुखातब फरमाया। बस इस इब्राहिम को अगर हमने रूहानी तरक्की, इस्लाम को दुनिया में गालिब करने, हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का झंडा दुनिया में लहराने और अल्लाह ताला का कुर्ब पाने के लिए माना है, तो हम में से हर एक को इस्माईल बनने की कोशिश करनी होगी। हर औरत को हाजरा बनने की कोशिश करनी होगी।
ہم دین کی خاطر قربانیاں دینے کے لیے تیار ہوں گے تو خدا تعالیٰ ہمارے لیے نئے سے نئے راستے کھولے گا, اور اسلام کی ترقی کے جو راستے اللہ تعالیٰ نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق کے ذریعے کھولنے کے وعدے کیے ہیں, ان میں ہم بھی شامل ہو سکیں گے. اگر ہم میں سے ہر ایک حقیقت میں دین کو دنیا پر مقدم کرنے کے عہد پر عمل کر لے تو ایک انقلاب ہم دنیا میں لا سکتے ہیں. اگر ہم اسلام کی تعلیم کے مطابق عمل کر کے اپنی زندگیاں گزارنے لگ جائیں تو ایک روحانی انقلاب دنیا میں پیدا کر سکتے ہیں. اگر ہم اسلام کی خوبصورت تعلیم کو دنیا میں پھیلا کر دنیا کو اسلام کے جھنڈے تلے لانے والے بن جائیں تو ہم ان شہداء کی قربانیوں کا بہترین بدلہ لے سکتے ہیں جن کو زمانے کے ابراہیم کے ماننے کی پاداش میں شہید کیا گیا. اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے جو یہ سلسلہ قائم فرمایا تو اس لیے کہ وہ تمام برکات دنیا میں واپس لائے جو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی ماننے والوں اور مومنین سے وابستہ ہیں. اس کے لیے پہلوں نے بھی قربانیاں دیں اور سب سے بڑھ کر اپنے نفسوں کی قربانیاں دیں. ہم بھی عہد کرتے ہیں اپنے مال جان اور وقتی قربانی دینے کا. ہمیں بھی اس عہد کو سامنے رکھتے ہوئے قربانیوں کے لیے تیار رہنا چاہیے, اور ہمیں بھی یہ دینی پڑیں گی اور دیتے آ بھی رہے ہیں لوگ بہت سارے. قربانیوں کے بغیر یہ انقلاب کبھی نہیں آئے گا اور نہ کبھی انقلاب آتے ہیں. بس اس حوالے سے میں ان ماؤں کو بھی توجہ دلانا چاہتا ہوں جو کہتی ہیں کہ ہم چپ کر جاتے ہیں قربانی کے لیے. ایک طرف وہ مائیں ہیں جنہوں نے اپنے بچے وقفے نو کے لیے وقفے نو میں دے کر وقف کیے, لیکن جب بچے جوان ہوتے ہیں تو بعض والدین کی طرف سے یہ ادھر آ جاتا ہے کہ ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہیں, بچہ اگر صرف جماعت کی خدمت کرے گا تو تھوڑے سے الاؤنس میں گزارا نہیں ہوگا, اس لیے اس کو دنیاوی کام کرنے کی اجازت دیں. ایک طرف ایک عہد کیا قربانی کرنے کا اور خود ہی پیش کیا, دوسری طرف اس کو دنیا داری کی طرف بھی ڈالنے لگی ہیں. اسی طرح بعض واقفین نو بچے بھی ہیں, ڈاکٹر بن جاتے ہیں, انجینئر بن جاتے ہیں, اس وقت کہتے ہیں کہ اب جماعتی خدمت بڑی مشکل ہے, ہمارا تھوڑے پیسوں میں گزارا نہیں ہوتا, ہمیں دنیاوی نوکری کرنے دیں. جب دین کو دنیا پر مقدم کرنے کا عہد کیا ہے, قربانی کا عہد کیا ہے, پیدائش سے پہلے اللہ تعالیٰ نے والدین کو توفیق بخشی کہ وہ پیش کریں, تو پھر اس قسم کے عذر کوئی معنی نہیں رکھتے. اس عہد کو نبھانے کی ضرورت ہے. اگر تھوڑا الاؤنس بھی ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈال دیتا ہے. بس نوجوان وقفین نو اپنے آپ کو مبلغ اور مربی بننے کے لیے پیش کریں, ڈاکٹر اور انجینئر یا ٹیچر بن کے اپنی خدمات پیش کریں جماعت کے لیے اور قربانی دیں, اور قربانیوں کے معیار کو بڑھائیں. صرف کہانیاں اور قصے سن کے خوش نہ ہو جائے کریں, صرف یہ پرانے واقعات سن کے خوش نہ ہو جائیں, صرف پرانے واقعات سن کے جذباتی ہونے پہ خوش نہ ہو جائیں, بلکہ یہ اس لیے ہیں کہ ہمیں اپنے نمونے دکھانے چاہیے. ہمیں نہ دنیاوی بادشاہتوں سے غرض ہے, نہ دنیاوی حکومتوں سے غرض ہے, نہ نظام حکومتوں کے نظاموں اور دولتوں سے غرض ہے اور طاقتوں سے غرض ہے, اور نہ ہونی چاہیے. ہاں اگر کوئی غرض ہے اور غرض ہونی چاہیے تو یہ کہ کس طرح ہم اسلام کی صداقت کو دنیا میں غالب کر سکتے ہیں, کس طرح ہم دنیا کو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے جمع کر سکتے ہیں, کس طرح ہم خدا واحد کی حکومت دنیا میں قائم کر سکتے ہیں, کس طرح ہم بھولی بھٹکی انسانیت کو
खुदा ताला के हजूर झुकने वाला बना सकते हैं? किस तरह हम इंसान को एक दूसरे का हक अदा करने वाला बना सकते हैं? बस यही हमारे सिलसिले के कायम होने की गरज है, यही अहमदी की गरज है, और ख़ास तौर पर वाकफी ने नौ की तो ये गरज होनी चाहिए। इसी के लिए वो अपने आप को जामिया में आने के लिए भी वक्फ करें और ज़्यादा से ज़्यादा मुरबी बने, वली बने, ताकि इस्लाम का ये पैगाम सारी दुनिया में जल्द से जल्द फैल सके। बस यही जो बातें मैंने बयान की हैं कि यही सिलसिले के कायम होने की गरज है, और इसके लिए हमें कुर्बानियाँ देनी चाहिए, और इसका ऐलान भी बारहा हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया है। ये बातें कुर्बानी चाहती हैं। सिर्फ मैंने जैसा कि मैंने कहा कि कुर्बानी के वाक़यात पढ़कर कि इनकलाब नहीं आया करते, इसके लिए हर अहमदी औरत को हाजरा बनना पड़ेगा और हर अहमदी नौजवान को इस्माइल बनना पड़ेगा, और हर मुल्क और हर कौम और हर नस्ल में से हर अहमदी को ये मयार दिखाने होंगे, तभी हम दुनिया में एक इबादत पैदा कर सकते हैं। जब इस मकसद के हसूल के लिए ये मुश्तरका कुर्बानी होगी, तभी हम उस घर की तामीर के मकसद को पूरा कर सकेंगे, यानी तौहीद का क़याम, जिसके लिए हज़रत इब्राहिम, हज़रत हाजरा और इस्माईल अलैहिस्सलाम ने कुर्बानियाँ दी थीं। और खुदा ताला का पहला घर खुदा ताला की वादानियत का निशान बनकर उभरा था। और तभी हम इस ज़माने में, ज़माने के इब्राहिम और आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम सादिक़ की बेइज़्ज़ती के मकसद को पूरा करने वाले बन सकेंगे, यानी दीन वाहिद पर जमा करना। अल्लाह ताला हमारे अंदर हकीकी कुर्बानी का मादा पैदा करे, हम हमेशा दीन को दुनिया पर मुकदम करने वाले हों, हर आने वाली कुर्बानी की ईद हमें इस्लाम की तरक्की की नई मंजिलें दिखाने वाली हो, हम ऐसी मकबूल कुर्बानियाँ करने वाले हों जिसके फ़यूज़ो बरकात हम दुनिया व आखरत में हासिल करने वाले बनते चले जाएं। अब हम दुआ करेंगे। दुआ में उन असीरान को भी याद रखें जो सिर्फ अहमदी की खातर कैदोबंद की सूरतें बर्दाश्त कर रहे हैं, दीन की खातर सख्त मौसमी हालात में जेलों में पड़े हुए हैं पाकिस्तान में ख़ास तौर पर, और ख़ुशी से बर्दाश्त कर रहे हैं ये सूरतें। एक खातून भी इसी कैदोबंद की सूरत में सबूत बर्दाश्त कर रही हैं, कैदोबंद में पड़ी हुई हैं, गलत इल्ज़ाम लगाकर उन बहुत ख़तरनाक दफ़ात लगाई गई हैं उन पर, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने ज़माने के इमाम को माना है। शहदा के ख़ानदानों को भी दुआओं में याद रखें। वाकफीन ज़िंदगी के लिए मुरबियान, मुबल्लिगीन, मौलमीन के लिए दुआ करें, जो सब अपने वक्फ निभाने वाले हों और हकीकी कुर्बानी के साथ निभाने वाले हों। बहुत सारे मुख्तलि ममालिक में, अफ्रीका में भी मौलमीन भी बहुत अहम काम कर रहे हैं, और अल्लाह ताला उनको भी तौफीक दे कि थोड़ी तरबियत के बावजूद, जो उन्होंने थोड़ा बहुत इल्म हासिल किया है मौलम क्लास का, उसके बावजूद बहुत अच्छे अच्छे काम करने वाले हैं। अल्लाह ताला उनके कामों में इखलास में, वफा में, इल्म में, रूहानियत में बरकत डाले, उनको हिफाजत में रखे, और जैसा कि मैंने कहा खालिस होकर अल्लाह ताला की खातर वक्त निभाने वाले हों। मुश्किलात में घिरे हुए लोगों के लिए भी दुआ करें, अल्लाह ताला उनकी मुश्किलात को दूर फरमाए, परेशानियां दूर फरमाए। खुदगर्ज उलमा के शर से बचने के लिए भी दुआ करें, इन्होंने भी शर फैलाया हुआ है ख़ास तौर पर पाकिस्तान में, हर इसी तरह बाज़ अफ्रीका के ममालिक में भी। हर ताकतवर शरीर के शर से मासूम जानों के बचने के लिए दुआ करें।
इस ईद पर पाकिस्तान में ख़ास तौर पर यह भी शोर भी है और हमेशा होता है, इस दफ़ा कुछ ज़्यादा ही हो रहा है कि अहमदी अगर ईद पर कुर्बानी करेंगे जानवर की तो उनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया जाएगा, उनको सजा दी जाएगी। बस इस किस्म के शरीरों के शर से भी अल्लाह ताला हर अहमदी को महफूज रखे। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की बेसुध को हम पूरा करने वाले हों, इसके लिए भी हमें बहुत दुआएं करनी चाहिए। और ये दुआ भी बहुत ज़्यादा करनी चाहिए, जो मकसद हज़रत मसीह मौऊद बेसुध का है वो क्या है, यही कि इस्लाम और आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का झंडा तमाम दुनिया में लहराए और दुनिया में तौहीद का क़याम हो। सिर्फ ये मुखालफत की बातें अगर हैं, सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं, अफ्रीका में भी बाज़ जगह पे बाहर से लोग जाकर वहाँ के मुकामी लोगों को भड़काते हैं और वहाँ मुखालफत पैदा हो रही है। अल्लाह ताला लेकिन अल्लाह ताला के फजल से अपने ईमान पर कायम हैं, मजबूत हैं और किसी मुखालफत की परवाह नहीं कर रहे, बल्कि जान लेने की भी धमकियाँ दी गई उसके बावजूद वो अपने ईमान पर कायम रहे। इसी तरह बाज़ जगह हमारी मसाजिद पर कब्ज़ा करने की कोशिश की जा रही है अफ्रीका में भी, अल्लाह ताला वहाँ भी हालात पैदा करे कि वो जमाती मसाजिद भी जिनको दुश्मन गलत तरीके से काबू होने की कोशिश कर रहा है वापस मिलें। बहरहाल मजमूई तौर पर हमें दुआ करनी चाहिए कि हमेशा हम अल्लाह ताला के फजलों और रहम के वारिस बनते चले जाएँ। इंशाअल्लाह ताला खुतबा जुमा अपने वक्त पे ही होगा आज भी, हम दुआ कर लेते हैं। लेकिन दुआ से पहले मैं सब अब आपको दुनिया में फैले हुए सब अहमदियों को आप सबको ईद मुबारक भी कहता हूँ। अब दुआ कर लें, अभी देखे बाद दुआ होगी। Alhamdulillah Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وَدُوْهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ। दुआ कर लें।
العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.